जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। एनआईए करेगी मामले की जांच। गाड़ी पर ग्रेनेड हमले में कल 5 सैनिक हुए थे शहीद। सिविल सर्विस डे पर पीएम ने अधिकारियों को किया सम्मानित। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में लोक सेवकों की भूमिका को सराहा। पुलिस के रडार से बचने के लिए अचानक बंद हुए अति गैंग से जुड़े सैकड़ों मोबाइल फोन। सर्विलांस के जरिए पुलिस जुटा रही थी उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड में इनामी गुड्डू मुस्लिम की तलाश हुई तेज। ओडिशा के पुरी में आखिरी लोकेशन से भी हुआ फरार। कई राज्यों में एसटीएफ की दबिश जारी। गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कर सकती है सरेंडर। सूत्रों के हवाले से खबर। आज ही कोर्ट में सरेंडर करने का प्लान। कर्नाटक में नामांकन खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार हुआ तेज। कर्नाटक के देवनहल्ली में अमित शाह करेंगे रोड शो। बीदर में जेपी नड्डा भी करेंगे रोड शो। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से मची हड़कंप। वकील की ड्रेस में आए हमलावर ने महिला को मारी गोली। एक वकील भी घायल। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है मौसम की मनमानी। बिहार में लू के साथ ही कुछ इलाकों में बारिश का भी अनुमान। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। अतीक और अशरफ की हत्या कैमरे के सामने हुई, लेकिन अब तक हत्याकांड के पीछे का पूरा सच सामने नहीं आ पाया। इसी बीच खबर है कि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि आरोप ये है कि उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। लिहाजा ये हो सकता है कि पुलिस उनका नार्को टेस्ट करवाए, जिसके लिए वो प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट से इजाजत मांग सकती है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश किसी और ने रची, जिसे बचाने के लिए तीनों आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ के शूटआउट केस में आरोपी सनी को दिल्ली का एक शूटर हथियार मुहैया कराता था और ये राज उसने एसटीएफ के सामने पूछताछ में उगला, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले ही दोनों दिल्ली की एक जेल में मिले थे। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई है कि दिल्ली का वो कौन सा शूटर है जो शूटर सनी को हथियार सप्लाई करता था, जिसके बाद एसआईटी दिल्ली से हथियारों की सप्लाई कराने वाले उस शूटर की तलाश में जुट गई। साथ ही सनी लवलेश और अरुण मौर्य से पूछताछ भी जारी है, जिसमें आगे भी कई राज खुल सकते हैं। उधर पुलिस को अतीक अहमद के 15